नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कई जिलों के नाम बदलने के संकेत दिए। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर आपके पास आया है, चूकिएगा मत। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की जनता ने चार बार बसपा और तीन बार सपा को सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन सपा और बसपा ने उसे धोखा दिया है। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को विकास के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया से जुड़ने आया हूँ। आप अवसर को लेकर चूकिएगा मत, ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है। रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2024 तक समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर रह जाएगी, जबकि बहुजन समाज पार्टी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 75 प्लस होगी और नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने इशारों इशारों में सपा नेता आजम खान पर निशाना साधा और कहा कि रामपुर में रामराज आ रहा है, अब्दुल्ला राज नहीं। सपा शासन में तो पुलिस प्रशासन रामपुर में भैंस ढूंढता था। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव रोजगार और युवाओं के मुद्दे को लेकर बीजेपी को लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है, बीजेपी सरकार का चारों ओर विरोध हो रहा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका, असुरक्षा का भाव देश के विकास के लिए घातक साबित होता है। सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना और भविष्य को संवारना होता है। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। वहीं रामपुर का चुनाव एक बार फिर आजम खान बनाम भारतीय जनता पार्टी बनता दिख रहा है। रामपुर पहुंचे आजम ने कहा कि ये भी एक सच है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे। सबसे बड़ी नुमाइंदगी उस समय मौलाना आजाद करते थे। बंटवारे की हिमायत करने वाले पाकिस्तान बनाने का नारा देने वाले मिस्टर जिन्ना थे, लेकिन मौलाना आजाद मुताहिद हिंदुस्तान रहे। आगे आजम खान ने कहा कि गृह मंत्री ने पहले मुझे नंबर का माफिया कहा, दूसरे नंबर का अंसारी और तीसरे नंबर पर अतीक है। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के चलते देश के अलग अलग राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा को लेकर दुख जताया और ऐलान किया कि अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने के बाद महिंद्रा ग्रुप में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। महिंद्रा के अलावा अन्य कॉरपोरेट संस्थानों ने अग्निवीरों को अपने यहाँ नौकरियों में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। कॉरपोरेट संस्थानों की इन घोषणाओं पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। बिना किसी का नाम लिखे जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि जो कॉरपोरेट दबाव में घोषणा कर रहे हैं वह पहले ये खुलासा करे कि अभी आपने कितने सैनिकों को नौकरी दी है। अग्निवीरों को नौकरी देने से पहले मुझे लगता है कि आपको सशस्त्र बलों के सीनियर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव और मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अपर्णा यादव और बीजेपी सांसद को मिली धमकी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बताया गया है कि जिस नंबर से अपर्णा यादव को धमकी दी गई थी, उसी नंबर से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी धमकी दी गई थी। दुबई से की गई इस कॉल के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि दोनों नेताओं को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई थी। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्लाम को समझने की अपील भी की। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह को दावत देता हूँ, इस्लाम को ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है। आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी आपको सिर पर बिठा लेंगे। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई और ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस बेईमान हुकूमत ने मुसलमानों के साथ क्या किया, इसे दुनिया को बताएंगे। जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में बीजेपी के बाद अब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने सपा को जोर का झटका दिया है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं आरयूसी का समर्थन मिलने के बाद बसपा प्रत्याशी ने दावा किया कि यह उनकी जीत का सर्टिफिकेट है। इसका कारण है कि आरयूसी का आजमगढ़ के सदर मुबारकपुर और गोपालपुर विधानसभा सीट पर खासा प्रभाव है और यही कारण है कि बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में आरयूसी के समर्थन से बसपा 4 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। बता दें कि आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होना है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या grameenreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश में युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी काफी असर पड़ा है। प्रशासन ने हिंसक घटनाओं के मामले में अब तक कुल 387 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही अग्निपथ योजना के विरोध के कारण दिल्ली हावड़ा रूट पर चलने वाली यूपी की 2 दर्जन ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा है। इससे पहले शनिवार और रविवार को भी प्रयागराज आने जाने वाली 82 ट्रेनें निरस्त रही थी। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के विरोध में सोशल मीडिया पर भारत बंद की अफवाह को देखते हुए वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड में है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर हाईवे तक पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरएएफ की टुकड़ी भी लगाई गई है। बता दें कि अग्निपथ योजना का पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बीते 17 जून को बनारस में भी उपद्रवियों ने घंटों तक उत्पात मचाया था। कैंट रेलवे स्टेशन, कैंट रोडवेज के साथ ही आसपास के इलाकों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। जैसे ही सोशल मीडिया पर भारत बंद की खबरें वायरल होने लगी, वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो प्रभावित हुई है। अभी जो चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है और एहतियातन रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेन कैंसिल की हैं। वो लगभग 6 ट्रेन हैं जो कि वाराणसी से शुरू और ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, उनकी संख्या 6 के आसपास है। और बाकी जो भी ट्रेन चल रही है वो सुचारू, आप जैसे देख सकते हैं स्टेशन पे भी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, यात्रियों का आना जाना सतत चालू है। 20 तारीख को भारत बंद को देखते हुए हम लोग रेलवे की प्रॉपर्टी और रेलवे की जो यात्री हमारे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि उनके साथ कोई हादसा न हो, उनके उनके सुरक्षा के लिए हम लोग उपद्रवी से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था किए हैं। किसी भी उपद्रवी को हम लोग स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और चार तरफ से हम लोग नाकाबंदी किए हुए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में बरेली में सपा के सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि नौजवानों के लिए उनके भविष्य से खिलवाड़ वाली योजना है। सैनिकों ने आरोप लगाया कि यह सरकार सैनिकों के लिए आग में चलने वाला रास्ता बना रही है, यह कभी पूरा नहीं होगा। 4 साल के दौरान युवक ट्रेनिंग करेगा या नौकरी करेगा या छुट्टी आकर अपने परिवार को भी समय देगा। तो रूस और यूक्रेन की तरफ अपना थोड़ा ध्यान देकर जाएं। आप आए दिन देख रहे हैं रूस कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली और कितनी उसके पास सेना है। आज तक यूक्रेन एक छोटा देश है और उसके ऊपर वो जो है कब्जा नहीं कर पा रहा। क्या कारण है? वो यही जो अग्निपथ अग्निवीर जो हमारे हिंदुस्तान में इसको लागू करना चाहते हैं, इसी कारण, क्योंकि 5 साल का जो सैनिक है रूस का वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सैनिक हैं जो यहाँ पे अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन को उसमें ज्ञापन देने के लिए आए हैं राष्ट्रपति महोदय के लिए जिलाधिकारी के द्वारा कि अग्निपथ जो है जो आग में चलने वाला रास्ता बना रहे हैं 4 साल फौजियों के लिए, एक संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, वो फौज में जो है कामयाब होना बहुत मकसद पूरा नहीं होना दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि हम लोग 33 साल नौकरी किया है और सब लड़ाई के क्षेत्रों में नौकरी किया है, सर्विसेज के क्षेत्र में नौकरी किया है, उसमें ढेर सारी समस्याएं होती हैं, टीम स्पिरिट की भावना होती है। 4 साल के अंदर वो आदमी ट्रेनिंग करेगा या ड्यूटी करेगा या फिर घर में छुट्टी आएगा,
यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटर परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और इसी बीच एक अनोखी खबर भी सामने आई है। बरेली जेल में बंद कैदियों ने पढ़ाई की इच्छा जताई और 10वीं-12वीं की परीक्षा देकर 70% अंक लाकर बरेली मंडल के जेलों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि जिले में बंदियों की पढ़ाई को लेकर जेल प्रशासन लगातार उनको किताबें और जरूरी सामान उपलब्ध करा के पढ़ाई का हौसला बढ़ाता रहता है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और आगे को कोशिश भी करूंगा और आप सब लोगों की दुआ मिलेगी मेरे लिए और आपकी कृपा से मैं आगे बहुत बढ़ना चाहता हूं सर। मैक्सिमम इसमें से आजीवन सजा के हैं और एक प्रकार से जब आजीवन सजा पड़ जाती है तो घर वालों से भी इनका संपर्क धीरे धीरे टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। तो जेल प्रशासन द्वारा, हमारे डिप्टी जेलर द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा और हम लोगों के प्रयास से इन लोगों को हाई स्कूल और इंटर कराया गया है, जिसमें अच्छे परिणाम भी लाए हैं और काफ़ी संख्या में काफ़ी परसेंटेज ए पाए हैं और काफ़ी संख्या में पास हुए हैं, मोर देन 80% इनको मिला हुआ। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मामला थाना बंडा क्षेत्र का है, जहां एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचल दिया, जिसकी वजह से सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। केरल के रास्ते उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में पहुंचा मॉनसून कहीं सितम बनकर कहर बरपा रहा है तो कहीं राहत की फुहारें बरसा रहा है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है तो पूर्वोत्तर में मॉनसून के कारण भीषण बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के हिस्सों में 1 सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे, इससे गर्मी से राहत मिलेगी और साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।